Konnichiwa. Yo yo yo, animal lovers. आज का वीडियो एक टॉप 10 रैंकिंग वीडियो होने वाला है। बहुत टाइम के बाद मैं टॉप 10 वाला वीडियो बना रहा, और आज का टॉपिक तो वैसे फुद्दू सा है, लेकिन आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आएगा। टॉपिक है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन वानो वॉर। और हाँ, मैं जानता हूँ अभी तक वानो ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी मैं ये वीडियो बना रहा है, और जब वानो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाएगा इसी वीडियो का अपडेटेड वर्जन। क्या मतलब कि मैं एक ही टॉपिक पे दो वीडियोस डाल के व्यूज़ लेना चाहता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन एक मिनट, उसी के लिए तो मैं ये कर रहा है ना यूट्यूब व्यूज। जैसे मैंने बोला, इस वीडियो में मैं वानो वॉर या फिर ओनिगाशिमा वॉर के टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स बताएगा, पूरा वानो का नहीं। तो रॉजर, व्हाइटबियर्ड, ओडन जैसे कैरेक्टर्स नहीं है टॉप 10 में, जो अभी वानो वॉर में लड़ रहे हैं उनमें से टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बताएगा मैं। ओके okay. और हाँ, मांगा स्पॉयलर्स है वीडियो में, क्योंकि वॉर तो एनिमे में ढंग से चालू भी नहीं हुआ है, मांगा में ही चल रहा है मेन। बाय द वे, क्या तुम साइको स्टोर के बारे में जानते हो? मैं बताता हूँ थोड़ी देर में क्या है वो, और तड़पो मत, लगा रहा इंट्रो, रुक जाओ, लेट्स बिगिन। वैसे तो अभी के टाइम पे वानो वॉर में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, तो 10th पोजीशन पे मैं किस कैरेक्टर को रखूं, ये मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टक्कर के कैरेक्टर्स हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अपना जीनियस ब्रेन यूज़ करने के बाद मैंने उस कैरेक्टर को 10th पे रखा जिसने एक टोबीरोप्पो को हराया 1v1 में। तो क्या मैं मेरी रॉबिन के बारे में बात कर रहा है, या फिर फ्रैंकी, या फिर जिम्बे? वेल, ऑब्वियसली मैं जिम्बे की बात कर रहा, जिम्बे द ऑल ब्लू। Am I sounding racist? Whatever. जिम्बे ने अकेले एक टोबीरोप्पो, जो कि शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टोबीरोप्पो है, उसको हराया, और क्या ही गुद्दी तोड़ा उसका। द रीज़न आई चोज जिम्बे ओवर फ्रैंकी एंड रॉबिन इज़, जिम्बे को हाकी यूज़ करना आता है पहली बात, और जिम्बे अभी भी अच्छा खासा लड़ने के हालत में है, वेरस फ्रैंकी का शोगन फ्रैंकी उड़ गया और रॉबिन भी अनकॉन्शियस हो गई थी आफ्टर क्रशिंग ब्लैक मारिया। लेकिन जिम्बे पानी के पास नहीं होके भी उसने हुज़हू को हराया। सोचो अगर पानी के पास होता वो, तो क्या वन साइड क्रश करता वो हुज़हू को। और इसीलिए जिम्बे इस रैंकिंग के 10th नंबर पे आता है। नंबर 9 हा, वेल इस पोजीशन पे जिस कैरेक्टर को मैंने रखा है वो इतना बड़ा आंड का गोला है, बहुत बात करता है चूतिया, और मैं हुज़हू की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा अपनी महंगी राजकुमारी इंदुमती। आई डोंट नो मैंने क्यों बोला, बट तुम समझ गए कि मैं बात कर रहा हूँ क्वीन की, क्वीन का। क्वीन नाम से औरत, दिमाग से इंटेलिजेंट, लेकिन आदमी फुद्दू है, लेकिन आदमी फुद्दू के साथ स्ट्रॉन्ग भी है। क्वीन वैसे तो कोई एकदम ज़्यादा क्रेजी फीट्स नहीं दिखाया है, लेकिन हाँ, इसकी ड्यूरेबिलिटी एक अलग लेवल पे है। पिछले चैप्टर में तो लॉन्डे ने सांजी को हरा ही दिया था, वो तो ओडा ने बचा लिया वरना सांजी जाता। क्वीन का रॉ पावर बहुत है, ये वही लॉन्डा जिसने बिग मॉम को बेहोश कर दिया था। वो अलग बात है कि बिग मॉम उस टाइम वैसे भी होश में नहीं थी, बट स्टिल इसने किया तो था। और जैसे मैंने बोला, ड्यूरेबिलिटी इसका कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। लॉन्डा सांची के बहुत सारा सेक्सी डियाबल जंप को इजीली टैंक कर चुका है, और आई मीन थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है बे बीस्ट पायरेट्स का, गुदा तो है लॉन्डे बे, और साइंटिस्ट भी है ये, जिसने अपना दिमाग को यूज़ करके अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाया है, इसलिए क्वीन इस रैंकिंग के 9th पोजिशन पर आता है। अभी मैं जिस लॉन्डे के बारे में बात करने वाला है ना, इसने पूरे वानों में फीट्स के नाम पे बस योंको से लड़ा है। शायद ये इस लिस्ट का सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग कैरेक्टर है। यार, मैंने इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखा था, लेकिन मुन्ना हक दिया इसने सारे एक्सपेक्टेशंस पे। मैं बात कर रहा अपने महंगे मैग्नेटो किड की। इस लॉन्डे में इतना पोटेंशियल है ना, मतलब इतना ज़्यादा कि ये शायद अपकमिंग टाइम में एक योंको बन जाए। लेकिन नहीं, लॉन्डे का तो बस जोश जोश में हर चीज़ बोल के हक देने का बाद में। लेकिन हाँ, बहुत कम फीट्स तो है किड के, लेकिन जितने हैं अच्छा है। जैसे कि किड वॉज वन ऑफ द सुपरनोवास, जो कि सिर्फ एक नहीं लेकिन दो योंकोस को फेस किया, और दोनों से अच्छा खासा मार्क खा के भी ये अभी भी बिग मॉम से 1v2 में लड़ रहा है लॉ के साथ, और सर्वाइव भी कर रहा है, विच इज़ इंडीड बिग फीट। लेकिन यार, मैंने सोचा था किड वो बंदा होगा जो कि लूफी के हमेशा क्लोज रहेगा पावर के मामले में, लेकिन अभी तो मेरे को डाउट है इस चीज़ में। अगर हम लोग बात करें कि किड में क्या खास बात है जिसकी वजह से ये क्वीन और जिम्बे से भी ऊपर है, तो सबसे पहले किड का रॉ पावर। अपने चुंबकीय पावर के साथ किड बहुत स्ट्रॉन्ग पंचेसबाजी कर सकते हैं। इसका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छा है, नॉट बेटर देन क्वीन लेकिन अच्छा खासा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, किड एक कॉन्करस हाकी यूज़र है, और इसका इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि अभी अगर ये वानों में अचानक से कोटिंग या फिर इन्फ्यूजन भी सीख जाए ना, कोटिंग या इन्फ्यूजन सेम ही होता है, तो भी कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं होगी। एंड इसी रीज़न की वजह से किड इस रैंकिंग के 8th पोजीशन पर आता है।
जहाँ 8वें नंबर पे एक बहुत डिसअपॉइंटिंग कैरेक्टर है, 7वें नंबर पे उसका उल्टा एक बहुत इम्प्रेसिव कैरेक्टर है। इवन तो इस कैरेक्टर को स्पॉटलाइट के नाम पे उतना ही अटेंशन मिला है जितना अटेंशन तुम्हें तुम्हारी क्रश देती है, मतलब झाड़ बराबर। लेकिन जब भोई के कारनामों की ज़रूरत पड़ी है, भोई ने कारनामे किए हैं। पिछले चैप्टर का मेन फोकस नामी रॉबिन का सिम्प, स्ट्रॉ हैट्स का कुक, काला पैर सांजी। इश, ये क्यों कर रहा मैं ट्रांसलेशन वाला, क्रिंजी हो रहा है बहुत ज़्यादा। सांजी सांजी सांजी, मतलब सच बताऊँ तो ये जब जब वन ओवर में दिखा है ना, इसने लोगों को बस इम्प्रेस ही किया है। सांजी क्वीन जो कि सेकंड कमांडर है बीस्ट पायरेट्स का, उससे लड़ रहा है इन चिल। वो तो थोड़ा दिक्कत हो रहा भोई के बॉडी में, वरना क्वीन झांट इसको जकड़ नहीं सकता। सांजी ब्लैक मारिय से कुत्ते टाइम मार खाने के बाद भी इंजर्ड जोरो के साथ क्वीन पे कूदा था और चॉपर को बचाते बचाते क्वीन से लड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात, ये सब सांजी कर रहा था विदाउट इवन यूजिंग रेड सूट। रेड सूट में तो सांजी एक अलग लेवल का कैरेक्टर बन जाता है। अगर मैं रेड सूट की पावर को एक्सक्लूड भी कर दूँ तो भी सांजी बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। लेकिन क्यों करूँ मैं एक्सक्लूड, मैं तो इंक्लूड करके बताएगा। सांजी इन माई ओपिनियन रेड सूट के साथ ईजिली मैक्सिमम सुपरनोवास को हरा सकते हैं, शायद बिना रेड सूट के भी हरा सकता है वो। और लौंडा कुछ टाइम के लिए किंग क्वीन दोनों को भी संभाल रहा था अकेले, और अभी जो हरकत हुआ है ना भोई के साथ एक्सोस्केलेटन बाजी, उसकी वजह से सांजी इजिली इस रैंक के 7th पोजीशन पे आता है। अगर कोई थ्रू आउट वानो वॉर मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है तो वो है ये कैरेक्टर। मतलब ये लौंडा एक टाइम पे स्टैमिना के चक्कर में मरा लेता था गंदा वाला, और अभी ये स्टैमिना से ही लोगों की मार देता है। एक टाइम पे जो एक वारलॉर्ड से अपना हाथ कटवा लिया था, अभी वो ही एक योंको का डायरेक्ट हाउशोकू कोटेड कानाबू खा के भी जिंदा है और लड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैं बात कर रहा लॉ की, मैं कानून बोलने वाला था, लमाओ। लॉ का जो पावर इंक्रीज हुआ है ना आफ्टर ड्रेस रोजा, आई थिंक इतना अच्छा अभी तक किसी का नहीं हुआ है। मतलब ये बंदा एक टाइम पे डॉफी के अगेंस्ट स्टैमिना के रोने दिखा रहा था, और अभी यही दो योंकोस के सामने अपना स्टैमिना प्रॉब्लम को ओवरकम करके फाइट कर रहा है। आई मीन लॉ इज क्रेजी। और जैसा मैंने बोला, ये उन कुछ गिने चुने लोगों में से आता है जो कि काइडो का कोटेड वाला कानाबो डायरेक्ट खा के भी जिंदा है, और उसके बाद भी इसमें इतना गोदा है कि अपने स्टैमिना कंज्यूमिंग पावर्स को यूज़ करके ये खुद को और जोरो को टेलीपोर्ट किया, और अभी ये एक और योंको बिग मोम से किड के साथ लड़ रहा है। इवन वेन लॉ का अटैक पावर कोई बहुत खास नहीं है, फिर भी लॉ जिस वे में अपने ओपे ओपे नोमी की पावर्स यूज़ करके जो मूव्स किया है, एक ही वर्ड बोलूँगा मैं उसके लिए, इम्प्रेसिव। और इतना कि उन सस्ते अटैक से इसने काइडो को भी दिक्कत दिया है थोड़ा सा, जो कि काइडो के केस में बहुत बड़ी बात है। लॉ दिमाग में भी बहुत तेज़ है, लौंडे ने लगभग बिम्बों को पानी में गिरा ही दिया था अपने प्लान से। ओपे ओपे नोमी अपने सेक्सी दिमाग और जिस वे में इसने अपना स्टैमिना वाले दिक्कत को ओवरकम किया है, इन सब की वजह से लॉ इस रैंकिंग के 6th पोजीशन पे आता है। अच्छा, लिस्ट तो चलता रहेगा, लेकिन क्या तुम साइको स्टोर के बारे में जानते हो? अगर नहीं जानते तो मैं बताता है ना, साइको स्टोर एक ऑनलाइन गेमिंग एंड एनिमे मर्चेंडाइज स्टोर है जहाँ से तुम बहुत अफोर्डेबल प्राइस में एनिमेस और गेम्स रिलेटेड टी शर्ट्स, कॉफ़ी मग्स और पोस्टर्स खरीद सकते हो। तुम इनका ऑनलाइन वेबसाइट विजिट कर सकते हो psychostore.in, जहाँ पे तुम अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स ले सकते हो। इस वेबसाइट्स में एक दो एनिमेस और गेम्स नहीं बल्कि मल्टीपल एनिमेस और गेम्स के प्रोडक्ट्स है। गेम्स के बारे में तो मैं इतना नहीं बताएगा क्योंकि अपने लिए तो मेन एनिमे है, राइट? तो तुम ड्रैगन बॉल, नारुतो, वन पीस, डेथ नोट, इवन पोकेमोन के मर्च खरीद सकते हो यहाँ से। और हाँ, एक चीज़ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा, सारे साइको स्टोर प्रोडक्ट्स का क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है, एकदम सेक्सी। और हाँ, ये 100% जेन्युइन स्टोर है, फेक मत समझना। और डिलीवरी सर्विस भी इनका एकदम मस्त है। मुझे इन्होंने 2 टी शर्ट्स भेजा जो कि मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा, वो 5 दिन के अंदर मुझे मिल गया था। अभी मैं तुमको दिखाता हूँ कि कैसे टाइप के 2 टी शर्ट्स हैं। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, ये रहा वो मर्च जो कि इन्होंने मुझे भेजा है। पैकिंग तो बड़ी मस्त है, मैं इसको ओपन करके तुमको दिखाता है। ओके, सो ये है वो 2 टी शर्ट्स। पैकेज के अंदर की पैकिंग भी बहुत प्रॉपर वे में है, और टीज़ का कंडीशन भी एकदम मस्त है। लेट मी ओपन दिस। सो ये रहा 2 टी शर्ट जो इन्होंने मुझे भेजा है। ये है ASL ट्रियो वाइट कलर में, जो कि सच बताऊँ तो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया। और ये है लूफीज़ एवोल्यूशन ब्लैक कलर में, एंड ये तो मुझे ऑब्वियसली पसंद आएगा ही सिंस लूफी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। दोनों टीज़ का क्लोथ और प्रिंट क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही मस्त है, और बहुत कम्फर्टेबल टी शर्ट्स है, मस्त कॉटन के हैं, और मस्त लगा भी मेरे को ये टी शर्ट्स, मज़ा आ गया एकदम, आहा स्वाद आ गया। अगर तुम्हें भी ये दोनों टी शर्ट्स में से कोई लेना है टी शर्ट, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा डायरेक्ट वाला, तुम डायरेक्टली उस क्लिक करके साइट पे पहुंच जाओगे, और फिर तुम अपने हिसाब से अपना साइज सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बाय द वे, तुम देख सकते हो मेरे पिक्स विद दिस टी शर्ट जो कि ऑब्वियसली विदाउट फेस है।
यार फेस रिवील्ड होता तो और अच्छे से फोटोज़ दिखा देता, लेकिन इनमें भी मस्त लग रहा है वैसे टी शर्ट्स। COD अवेलेबल है, रिटर्न पॉलिसी भी मस्त है साइको स्टोर का। सब चीज़ का इन्फो तुम्हें इनके वेबसाइट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देगा। और अगर कुछ डाउट है तो तुम इनसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में भी बात कर सकते हो, जिसका लिंक भी मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे देगा। वेबसाइट्स में जेन्युइन रिव्यूज़ भी है प्रोडक्ट्स का, और इंस्टाग्राम से भी तुम देख सकते हो ये लोग जेन्युइन बनाते हैं सब प्रोडक्ट्स। और जाओ यार, जल्दी जाओ, मस्त खरीदो अपने लिए मर्च साइको स्टोर से। हाँ तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, 6 तक हो गया था मतलब आधा लिस्ट ख़त्म हो चुका है और अभी टॉप 5 बचे हुए हैं बस। तो तुमको क्या लगता है कौन होगा 5th पोजीशन पे? सच बताऊँ तो जिस कैरेक्टर को मैंने इस पोजीशन पे रखा है ना, उसके फीट्स एकदम गगनचुंबी है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए मैं इसको इससे ज़्यादा ऊपर नहीं रख सकता। हरे वालों से लोगों की गेंद फाड़ देने वाला सांजी का सेक्सी राइवल मॉस हेड ज़ोज़ोनोआ रोरो। मुझे ज़ोरो की फीट्स बताने की ज़रूरत है क्या? लो चलो बता देता हूँ। ज़ोरो रूफटॉप में बाकी सुपरनोवास के साथ 2 यंकोस को फेस किया। अभी तक के स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन अटैक हेल हाके को उसी ने कुछ सेकंड्स के लिए टैंक किया, जिसकी वजह से बाकी सुपरनोवास की गुद्दी नहीं टूटी वहाँ पे। और ज़ोरो का सबसे इंप्रेसिव फीट, उसने काइडो को परमानेंट स्कार दिया, वो भी 30 टूटे हुए हड्डी के साथ। मानता हूँ कि काइडो उस टाइम अटैक को डॉज कर सकता था ऐसा वैसा, स्टिल डजेंट चेंज द फैक्ट दैट वो बहुत ज़्यादा बड़ा फीट है। एंड ज़ोरो सेकेंड लौंडा बना आफ्टर ओडन, जिसने काइडो को परमानेंट स्कार दिया। इसके अलावा ज़ोरो आग को काट सकता है, उसने मल्टीपल टाइम्स बोरो ब्रेथ को और एक बार प्रोमिथियस को भी काटा है। ज़ोरो एनमा को भी अपना पूरा ताकत लगा के ब्लैक ब्लेड बना सकता है, और ब्लैक एनमा की वजह से ही इसने काइडो को स्कार दे पाया था। और ज़ोरो ने अपना कॉन्करर साकी भी खोल लिया है, अभी वैसे उसको अपने से यूज़ करना नहीं आता, लेकिन हाउस शोको की पावर होना ही कैरेक्टर का पोटेंशियल दिखा देती है, और पोटेंशियल तो ज़ोरो में भर भर के है। अपना फ्यूचर राइट हैंड ऑफ पायरेट किंग और फ्यूचर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन है भी ये। और अभी तो ज़ोरो जो का दवाई खा के किंग से लड़ रहा है, और बहुत सही लड़ रहा है यार। यार इसके फीट्स इतने क्रेजी है, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा यार ज़ोरो को इतना नीचे रखने के लिए। यार इतना भी नीचे नहीं है, बट स्टिल क्रेजी ड्यूरेबिलिटी, क्रेजी अटैक पावर और हाउस शोको की वजह से ज़ोरो वैसे तो और ऊपर आ सकता है, लेकिन अभी के लिए ज़ोरो इस रैंकिंग के 5th पोजीशन पे आता है। 4th पोजीशन पे मैं किसको रखूं, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज था। आई मीन दोनों के फीट्स बहुत इंप्रेसिव है, और दोनों अपने अपने क्रू के सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर थे और हैं। दोनों ही फर्स्ट कमांडर्स है भी, मतलब एक था और एक है। मेरे को कुछ सोच नहीं रहा था कि मैं किसको ऊपर नीचे रखूं, तो वाई नॉट दोनों को साथ में रख दूं। हाँ, अपना पाइनएप्पल और अपने जाति का आखिरी प्राणी मार्को और किंग, दोनों ही एकदम सेक्सी है और मैं इन दोनों को इक्वल मानता है अभी के लिए। मार्को स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के क्रू का फर्स्ट कमांडर था, और किंग स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर के क्रू का फर्स्ट कमांडर है। दोनों के फीट्स थ्रू आउट वानो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने हैं उनसे ये तो पता चलता है कि योंग को फर्स्ट कमांडर्स की औकात क्या है। एक तरफ है मार्को, जो कि अपने फीनिक्स फ्रूट के पावर्स की हेल्प से बड़े वुंड्स को हील कर सकता है, और ये चीज़ इसने वानो में भी किया है, और सिर्फ खुद का ही नहीं लेकिन बाकियों का भी। क्वीन के चूतिया प्लेग को डिलीट करने के लिए मार्को ने अपना हीलिंग फ्लेम्स यूज़ किया था, नॉट ओनली ऑन फ्रेंड्स बट ऑन एनिमीज टू, और वो भी हज़ारों लोगों को साथ में हील कर रहा था वो। और ये करते करते मार्को ने दोनों क्वीन और किंग के साथ भी लड़ा था, और बहुत अच्छे खासे टाइम के लिए उनको ओवरपावर भी कर रहा था। हाँ, मार्को के ब्लू फ्लेम्स यूज़ करने का एक लिमिट है, और हमने देखा है कि मार्को थक के गिर गया था बहुत ज़्यादा ब्लू फ्लेम्स यूज़ करने के बाद। लेकिन मुन्ना, मार्को का ये जो लिमिट है ना, ये बहुत ज़्यादा है। मार्को का हाकी भी अच्छा खासा है, डिफेंस तो एकदम ही तगड़ा है, और अभी भी मार्को में गूदा है लड़ने का। इफ़ आई रिमेम्बर, मार्को ने मरीन फोर्ड वॉर में सारे एडमिरल्स के अगेंस्ट वीक होके भी अच्छा खासा टक्कर दिया था तो मार्को इज स्ट्रॉन्ग एज फक। और रही बात किंग की, किंग मार्को से इतना लड़ा उसके बाद भी अभी के टाइम पे किंग ज़ोरो को डोमिनेट कर रहा है। हाँ, मुझे पता है कि ज़ोरो के बॉडी के लगे पड़े हैं, लेकिन ज़ोरो को कैसे भी डोमिनेट करना एक बहुत बड़ी बात है। और किंग ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा बस दिक्कत दे रहा है ज़ोरो को, उनके फाइट को देख के पता चल रहा है कि ज़ोरो गंदे से हार रहा है। किंग का जो मेन रीज़न है इतना ऊपर होने का, वो है उसका एकदम ज़्यादा ही क्रेजी ड्यूरेबिलिटी, और रॉ पावर भी लौंडे का एकदम कड़क है। किंग ने रेड सूट वाले सांची को बीस्ट फॉर्म में ही रह के दिक्कत दे दिया था। किंग भी मार्को जैसे फायर बना सकता है और अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकता है, लेकिन ये उसका डेविल फ्रूट का एबिलिटी नहीं है, बल्कि उसके रेस लूनेरियन का एबिलिटी है। किंग लास्ट लूनेरियन है, और आई थिंक इसी वजह से भी किंग बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। मार्को से अच्छा खासा मार खाने के बाद भी ज़ोरो को किंग ने ओवरपावर किया, बे इट्सेल्फ शोज़ कि किंग में कितना गूदा है। मार्को और किंग दोनों ही अपने अपने जगह एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किंग का मार्को जितना फीट्स दिखा नहीं है, इसलिए अभी के लिए मैं मार्को और किंग को इक्वल रख रहा, और ये दोनों अभी के लिए रैंकिंग के 4th पोजीशन पे आते हैं। 3rd पोजीशन पे मैंने जिस कैरेक्टर को रखा है, इश दीवाना बना दिया मेरे को इसने अपना।
मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस कैरेक्टर के इतने क्रेजी फीट्स देखने मिलेगा अपने को। ये वो कैरेक्टर है जो कि मेरी रॉबिन के साथ मेरे दिल में अपना जगह बना ली है, वो भी बहुत कम टाइम में। मैं बात कर रहा मेरी यामाटो के बारे में। आए हाय, ये पावरफुल है लेकिन साथ में ही बहुत सेक्सी भी। वैसे तो ये खुद को ओडन बोलती है और काइडो इसको अपना बेटा बोलता है, लेकिन ये बेटी है काइडो की। यामाओ के अगर मैं फीट्स की बात करूँ तो इसने हाइब्रिड काइडो के साथ जो 1v1 में फाइट किया, इश मज़ा आ गया उसको देख के। आई थिंक ये एक लौती कैरेक्टर है लूफी के साइड की, जिसमें गूदा है मल्टीपल काइडो के कोटेड कानावोस को टैंक करने का। यामाटो का ड्यूरेबिलिटी एकदम भयंकर। मैंने बोला ना, इसको काइडो ने अपने हाउशोकु कोटेड कानापो से बहुत मारा और ये सबको सह ली। उन अटैक्स को ये बार बार सही जिस अटैक से काइडो ने लूफी को वन शॉट किया था। लेकिन ड्यूरेबिलिटी तो किंग मार्को का भी मस्त है, तो ऐसा क्या है यामाटो में जिसकी वजह से वो किंग और मार्को से भी ऊपर आती है? आंसर है कॉन्करर्स हाकी। यामाटो कॉन्करर्स हाकी के उस फॉर्म को यूज़ कर सकती है जिसको अभी के टाइम पे हम लोगों ने सिर्फ 7 लोगों को ही करते हुए देखा है, जो कि है हाउशोकु की कोटिंग। और ये हाउशोकु की कोटिंग या फिर इन्फ्यूजन जो भी तुम बोलो को बहुत अच्छे से यूज़ करती है। इसने उल्टी को वन शॉट कर दिया था, वो भी तब जब इसके हाथों में सी प्रिज्म स्टोन लगा हुआ था। इसी के साथ ये थर्ड कैरेक्टर भी बनी वानोवर में, जिसने काइडो को एक्चुअली हर्ट किया। और हर्ट मतलब अकाजायस के ब्लंट अटैक्स जैसा नहीं, बल्कि ट्रूली हर्ट किया इसने काइडो को। काइडो के सर से खून बहने लग गया था। यामाटो एक ओनी की बेटी है और इसलिए वो खुद भी ओनी है, और शायद इसलिए भी यामाटो सिर्फ 28 साल में इतनी स्ट्रांग है। एक और रीज़न है यामाटो के इतना स्ट्रांग होने का, दैट इज़ उसका डेविल फ्रूट इनू इनू नोमी माकामी मॉडल, जो कि एक मिथिकल जुआन टाइप फ्रूट है। उसकी यूज़र है यामाटो, जो कि बहुत सेक्सी आइस एबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और अभी भी यामाटो मस्त निकल गई एक्सप्लोजिव बुझाने ओनिगाशिमा का। इसमें अभी भी लड़ने का गुदा है। इसने जो लड़ा था हाइब्रिड काइडो से, शायद उतना अच्छा लूफी भी नहीं लड़ा था काइडो से 10-10 से 10-13 तक। यामाटो इस लव इतने क्रेजी एंड्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी, अटैक पावर और पोटेंशियल प्लस क्रेजी फीट्स की वजह से यामाटो इस रैंकिंग के थर्ड पोजीशन पे आती है। मुझे पता है कि तुम्हें पता चल गया कि सेकंड नंबर पे कौन सा कैरेक्टर होने वाला है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो कि अभी के टाइम पे सबसे क्लोज है एक योंको बनने में। वैसे इसने हरकत भी कर दिया योंको वाला, बस अब ऑफिशियल होना बाकी है। मैं बात कर रहा अपने फ्यूचर पायरेट किंग मोंकी डी लूफी का। लूफी बेस्ट लौंडा बानो के स्टार्टिंग में काटाकुरी को नहीं हरा पा सकता था, और अभी काइडो को टक्कर दे रहा। लूफी के फीट्स जितना सुना उतना कम है। लौंडे ने रूफटॉप फाइट में दोनों योंकोस के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। ये एक लौता कैरेक्टर है पूरे वानो वॉर में जिसको काइडो ने डॉज किया है। ही इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर इन वानो वॉर जिसने काइडो को ट्रूली डैमेज किया। अपने फ्यूचर सेट की हेल्प से इसने काइडो के सेम अटैक जिससे ये फर्स्ट राउंड में वन शॉट हो गया था उसको डॉज किया था, दैट इज़ हाउशोकु कोटेड रामे हाके। लूफी इज़ द ओनली कैरेक्टर आफ्टर ओडेन जो कि काइडो को मज़ा दे रहा है, फुल पावर यूज़ करने में उसको मजबूर कर रहा है। लेकिन ये सब तो था कॉन्करर्स हाकी के कोटिंग या फिर इन्फ्यूजन सीखने से पहले का। उसके बाद तो लौंडा जो लड़ा है काइडो से, मज़ा आ गया। कोटेड पंचेस से बूम बाम दिया है काइडो को लूफी ने। लूफी अभी भी काइडो से बहुत वीक है, अभी वो काइडो से 5th राउंड लड़ रहा है, लेकिन हर राउंड के साथ लूफी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। वो इवन अपने स्नेकमैन फॉर्म में कोटिंग यूज़ कर सकते हैं अभी, और लूफी अभी के टाइम पे इतने स्पीड से अपने गियर्स में ट्रांसफॉर्म होकर वापस नॉर्मल फॉर्म में आ सकता है ना। लूफी के वजह से ही काइडो के पावर्स फाइनली कम हो रहा है। लूफी को क्या नहीं आता पे, हर हाकी को ये लौंडा एडवांस फॉर्म में यूज़ कर सकता है। आर्नामेट का एडवांस्ड फॉर्म इंटरनल डिस्ट्रक्शन, ऑब्जर्वेशन का एडवांस्ड फॉर्म फ्यूचर साइट, और कॉन्करस का एडवांस फॉर्म इन्फ्यूजन, सब चीज़ को एकदम मस्के की तरह यूज़ कर सकते हैं। गोमू गोमू नोमी का ट्रू पोटेंशियल दिखाया अपने को लूफी ने, और इसने तो काइडो के साथ आसमान भी फाड़ दिया विद कॉन्करस इन्फ्यूजन क्लैश। बाय द वे, इन्फ्यूजन और कोटिंग सेम ही चीज़ है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है? क्या लड़ा है भाई लूफी, मतलब बेस्ट चुम्मा, जितना बोलो उतना कम यार। दी ओनली कैरेक्टर जो कि अभी के टाइम पे थोड़ा सा गूदा रखता है काइडो को हराने का, नॉट सेइंग फुल हील्ड काइडो, लेकिन करंट काइडो। इतना सारा रीजन दे दिया भी मैं तुमको कि क्यों लूफी इस रैंकिंग के सेकंड पोजीशन को डिजर्व करता है। पहले नंबर का कैरेक्टर बताने से पहले मैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को मेंशन करना चाहेगा जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस रैंकिंग में अपनी जगह नहीं बना पाए। पहले आते हैं टोबी रोपोस, सारे के सारे, उनका ड्यूरेबिलिटी और रॉ पावर क्रेजी है। सारे अकाजायास, दे आर केपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग काइडो स्टफ स्किन। पेरेस्पेरो, जैक, सारे रिमेनिंग स्ट्रॉ हैट्स, स्पेशली फ्रैंकी और रॉबिन, हाकी के बिना भी इन दोनों ने टोबी रोपोस को 1v1 में हराया। CP0 भी शायद तक, वैसे तो उनका कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन आई थिंक वो स्ट्रॉन्ग है। कैरेट, वोंडा डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन सुलोंग में देवर स्ट्रॉन्ग। और हाँ, किलर, हॉकिंस और आपू भी, हाँ, सब एकदम जीनियस हो मेरे को पता है, क्योंकि सबको पता स्टार्टिंग से था कि योंकोज ही सबसे ऊपर आएंगे। बिग मॉम और
काइडो, दोनों इतने ज़्यादा पावरफुल है, आफ्टरऑल वो योंकोज है। अभी के टाइम पे इनके नीचे जो भी कैरेक्टर्स मैंने बताया है ना, सब मिलके भी अगर इन दोनों से लड़े ना, सब के लग जाएंगे। बिग मॉम और काइडो को 1v1 में वानों में अभी तो कोई नहीं हरा सकता। एक तरफ है काइडो जो कि बिना रुके लड़े जा रहा है सुपरनोवास, अकाजायास, यामाटो, लूफी सबसे लगातार लड़ने के बाद भी लौंडा लूफी से अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी तरफ है बिग मॉम जो कि लॉ और किड से बकचोदी में लड़ रही है और उसको अभी तक सिर्फ एक स्क्रैच आया है। ये दोनों स्टार्टिंग से कभी फुल पोटेंशियल में नहीं लड़े वानों में। आई मीन इवन व्हेन बिग मॉम को एडवांस्ड हाउशोकू आता है, वो किड को नॉर्मल आर्नामेंट से भर दे रही थी, वो भी मस्ती में। काइडो ने तो सिर्फ लूफी के अटैक्स को डॉच किया, बाकियों का तो सीधा लिया है और उसके बाद उनको मारा है। काइडो ने पहले भी लूफी के गियर फोर्थ को वन शॉट किया था। और बिग मॉम तो और महान, उसने तो WCI में सिर्फ डिफेंड करके गियर फोर्थ वाले लूफी को वन शॉट कर दिया था। दोनों एडवांस कॉन्करर्स हाकी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही अपने फ्रूट को फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर सकते हैं, दोनों की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा ही है। काइडो तो ओनी है करके उसका ड्यूरेबिलिटी एकदम बेस्ट है, लेकिन बिग मॉम भी कम नहीं है, उसका भी बहुत मोटा चमड़ी है। काइडो वो नोमी सेरियू मॉडल का यूज़र है जो कि एक मिथिकल जवान है, और बिग मॉम सोरू नोमी की यूज़र है जो कि पैरामिसा फ्रूट है। कुछ लॉन्डे बोल सकते हैं कि काइडो बिग मॉम से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नहीं मुन्ना, मेरे हिसाब से दोनों इक्वल है। बिग मॉम वो सारी चीज़ कर सकती है जो काइडो कर सकता है, और काइडो भी वो हर चीज़ कर सकता है जो बिग मॉम कर सकती है। कोई चूतिया बोलना मत अब कि काइडो 85 बच्चों को पैदा कर सकता है क्या, या फिर बिग मॉम ड्रैगन बन सकती है क्या। मैं बात कर रहा फीट्स की, ठीक है। बिग मॉम थोड़ी पागल सी है, लेकिन एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पागल है। वो मार्को को इनविजिबल आर्नामेंट से पकड़ के मारने वाली थी वो, और काइडो का तो नाम सुन के ही मार्को की फट गई थी। दोनों ही एकदम इक्वल प्लस मोस्ट लाइकली अभी के टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट जिंदा कैरेक्टर्स हैं, एंड ये दोनों तो आराम से रैंकिंग के नंबर 1 के थ्रोन पे बैठते हैं। बहुत बड़ा वीडियो बन गया बे, क्या मेहनत लगी है इसको बनाने में, लेकिन आई होप कि तुमको मेरा मेहनत पसंद आया होगा। आया तो खानदानी परंपरा बोलूँगा नहीं, हो जाना चाहिए, तुम समझदार हो। और ये रैंकिंग लिस्ट में मैंने अभी तक जितने वानो वॉर में कैरेक्टर्स दिखे हैं उनको ही लिया है। अभी के टाइम के बाद कोई और कैरेक्टर आया तो उसको मैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में इंक्लूड करेगा, जो कि वानो वॉर ख़त्म होने के बाद मैं डालेगा। तो फिर व्रो, तूने अभी ये वीडियो क्यों डाला? क्योंकि मुझे टॉपिक नहीं सोचा था, दैट्स ऑल सिंपल। और हाँ, ये पूरा लिस्ट मेरे ओपिनियन पे था, और इसलिए भड़कना मत, और ये अभी के हिसाब से मैंने बनाया, ठीक है। तो कमेंट्स में ऐसा मत बोलना कि ब्रो सांची तो लॉ से भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा ना, हुआ तो नहीं है एटलीस्ट फीड्स के हिसाब से। चलो अब थोड़ा इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए भी भीख मांग लेता हूँ, तो कर दो यार, प्लीज़ कर दो यार, कर दो भाई के लिए कर दो। और लाइक एम रखते हैं इस वीडियो में 469 लाइक्स, ठीक है। मुश्किल है, लेकिन लेट्स सी होता है कि नहीं, तुम करा सकते हो, वैसे तुम्हारे अंदर बुदा है। साइको स्टोर के वेबसाइट को विजिट करना मत भूलना, मुझे पक्का यकीन है तुमको उनके प्रोडक्ट्स पसंद आएंगे। जाओ यार, मस्त खरीदो टी शर्ट्स, कॉफ़ी मग्स और पोस्टर्स को। मैं बकबक बंद करता हूँ, और अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय। और ये रैंकिंग लिस्ट, भैंचोद अभी फोड़ना है क्या लोडू? अभी चालू नहीं हुआ, दिवाली फोड़े जा रहे हैं, फोड़े जा रहे हैं। お前はもう死んでいる。